साला चावल से पेट नहीं भर रहा, परेश रावल से बात करके भर लेता हूं। अरे कैसे हो नवाजुद्दीन, कैसे याद किया तुमने मुझे आज? अरे मैं मस्त है परेश, तू सुना ना। अरे हट साला नवाज, लॉकडाउन में रहो ना रहो लेकिन अपनी औकात में रहो। अरे सॉरी परेश भाई। कोई बात नहीं नवाज, अब ये बताओ कि तुमने कॉल क्यों किया है? साहब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है साहब, मार्केट से उनके लिए एक दारू का बोतल ला सकते हो क्या? अरे देवा रे देवा, उठा ले रे इसको, साले तुझे मैं डिलीवरी वाला दिखता हो? साहब मना मत करना साहब, माँ कसम सैनिटाइजर पी के काम चला रहा है मैं। इश, अरे पागल, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते हैं, उसे पीते नहीं है। अरे उसपे अल्कोहल होता है ना साहब। अरे देवा रे देवा, अरे ऐसे तो मर जाएगा तू नवाज, गवर्नमेंट ने लिकर शॉप खोलने की इजाजत दे दी है, तू जाकर खुद क्यों नहीं लाता? अपन को मालूम है साहब, लेकिन अपन रेड जोन एरिया में है ना साहब। तू रेड जोन में है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सलाह से तू भी मुझसे 6 फीट दूर रहेगा, समझा? साहब आप मेरे को खंभा ला के दे दो, मां कसम अपन आपसे 600 मील दूर चला जाएगा। ठीक है, ले आऊंगा और जाके लोगों से अपील भी करूंगा, जिसको जितना दारू पीना है पियो, लेकिन दारू पी के कोई भी चाइना से लड़ने के लिए नहीं जाएगा। साहब आप एकदम मस्त बात बोले हो, आप उनके देश के जितने भी बेवड़े हैं ना, आने वाले टाइम पे वही लोग अर्थव्यवस्था के चौथे खंभे बनने वाले। अरे तुझे दारू की पड़ी है और यहां जिंदगी मुन्ना भाई MBBS वाले आनंद भाई की जैसी हो गई है, साला पूरा दिन कुछ मत करो, बस लाश के जैसे पड़े रहो। परेश भाई माँ कसम अपुन का तो इससे भी बुरा हाल है, जब अपुन से टाइम पास नहीं होता है ना, तो मरने का मेथड एक्टिंग करके 5-5 दिन ना ऐसा बेड पर लाश बन के पड़ा रहता है। मैं समझ सकता हूं तेरी हालत नवाज, और आजकल तो ये न्यूज चैनल वाले भी ऐसी खबरें दिखाते हैं, बोलते हैं लॉकडाउन में मर्दों के बीच आतंक का माहौल, और खबर पढ़ते हैं कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे किया पत्नी ने अपने पति का कत्ल। रे अरे ये खबर बता रहे हैं कि औरतों को अपने पतियों को मरने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सही बोल रहे परेश भाई, आप उनको क्या लगता है ना, अभी औरतों के मूड को सही करने के लिए खाली एक ही इलाज है, जैसा गवर्नमेंट ने दारू का दुकान को खोलने का परमिशन दिया ना, वैसा औरतों के लिए गोलगप्पे के ठेले को खोलने का परमिशन देना चाहिए, वरना मां कसम ये औरतें लोग ना मर्द लोग को मार डालेंगे भाई। हाँ लेकिन अगर किसी औरत को गोलगप्पे अच्छे ना लगते हो तब क्या होगा? अरे भाई तो फिर वो औरत का गेटअप पे छुपा हुआ कोई आदमी होएगा। अरे लेकिन औरतों के मूड ठीक करने के और भी तरीके हो सकते हैं भाई, अपन को सब औरतों का तो पता नहीं, लेकिन अपन एक बात जानता है कि अपनी बीवी को खुश नहीं किया जा सकता। क्या है ना, आप साला उनके लिए जाके बैंक भी लूट के आएंगे ना, तो बोलेंगे ये वाला बैंक काय को लूट के आए, वो वाला लूट के काय को नहीं आए, तो ये प्रॉब्लम है भाई। आप अपन के लिए दारू ले आना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को फोन करके बताना, और मैं बाकी पब्लिक को भी बोलता है ऐसा लॉकडाउन का पालन करो, ऐसा एक दूसरे से 6 फीट का ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके रखने का, दारू लेने जाएंगे इज्जत के साथ घर पे आएंगे, खाली पीली माकस से मगर कोरोना लेके आए ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलता है मैं।